इतना स्वादिष्ट आज टिफिन बनाया था मैंने लंच दोपहर का, तो चलिए उसका भी एंजॉय करिए, देखिए क्या क्या है, बहुत कुछ है। और कैसे हैं आप सभी, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में बहुत ही टेस्टी आप सूंधा सूंधा हमने बनाया है गुड़ का गुलगुला यानी गुलबरी, और इतना टेस्टी बना है कि कुछ पूछिए मत। तो बहुत लाइट मीठा के साथ बना है, चलिए उसका एंजॉय करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यार दुलार देना ना भूलें। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्योर देहात से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी। चलिए फिर देखते हैं, धन्यवाद प्रणाम। गुड़ को पिघला रहे हैं, इसका हम रस बना रहे हैं लिक्विड। फिर इसके बाद चलिए आज हम बनाएंगे गुड़ की गुलबरी। तो गुड़ की गुलबरी बनाने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी में अगर गुड़ को हम पिघलाते तो गुड़ पिघलता ना, तो हम गर्म पानी में खौला के पिघला रहे हैं। और एक तो पका भी रहेगा और दूसरे खौल के अच्छे से गल जाएगा। फिर चलिए देखिए गैस को करेंगे बंद, चूँकि हमारा गुड़ खोल गया है, पानी पिघल गया है इसका। अब इसके लिए और क्या क्या चीज़ लेंगे वो दिखाते हैं आपको। हमें गुलगुला बनाने के लिए हमने ले लिया है 300 ग्राम लगभग आटा, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे हम। और इसके बाद ये सौंफ ले लिया है, ये सौंफ को इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये इतनी सारी किशमिश डाल देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये ड्राई फ्रूट हमने रखा है जिसमें काजू है, बादाम है, इनको थोड़ा कट करेंगे। तो कट करने के बजाय हमने सोचा मिक्सर में थोड़ा डाल देते हैं तो बढ़िया, थोड़ा दरदरा हो जाएगा। और इसी में तिल डाल देंगे थोड़ा, और ये थोड़ा सा छोटा आधा नारियल है गोले का, इसको भी कटिंग करेंगे छोटा और मिक्सर में दरदरा लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, इसको और छोटा छोटा काटेंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो ये छोटा छोटा हमने काट लिया है, अब इनको हम डाल लेंगे मिक्सर में। मिक्सर में थोड़ा और भी बारीक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा अगर पड़ेगा मुँह में तो दांत में दिक्कत कर सकता है। तो ये दरदरा दिए अच्छे से, अब इसको भी मिला देंगे हम। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिला के थोड़ा बीच में जगह बनाएंगे। और जो हम गुड़ का सीढ़ा बनाए हैं इसी से हमको इसको घोलना है। घोलने से पहले खूब अच्छे से पहले हम सबको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद फिर इसको घोलेंगे बीच में करके। एक गुड़ का सीढ़ा जो है इसमें पड़ गया, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये ऐसे ही धीरे धीरे मिलाते रहेंगे, ऐसे करके अच्छे से खूब बढ़िया फेंट लेंगे। तो फेंट गया, बहुत गीला नहीं करना है, बहुत सूखा नहीं करना है, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। तो हमारा बिल्कुल एकदम से तैयार है जितना हमें बनाना चाहिए। तेल हमने चढ़ा दिया, जैसा कि मेरा तेल पहले से भी चढ़ा था गुड़ के लड्डू बनाने के लिए, तो वही तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा रेडी है, प्योर हमें तलना है। तो दोस्तों तेल मेरा गर्म हो चुका है जैसा कि, तो मुझे हाथ से बनाना है, चमचा वगैरह से नहीं बनाएंगे। हाथ से बनाने से एक शेप आ जाता है बढ़िया से, ऐसे डालेंगे। गुड़ का है, थोड़ा काला होगा पर बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हमने डाल दिया है, देखिए कितना बढ़िया आ रहा है कलर, मैरून मैरून कलर का। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट बनता है, मेरी माँ बनाया करती थी, अब तो है नहीं दुनिया में। माँ थोड़ा मेवा मसाला कम डालती थी, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने से लगा लेती हूँ कि खाना है तो थोड़ा डाइट अच्छी हो जाएगी, पौष्टिक चीज़ें भी इसमें मिल जाएंगी। माँ केवल गुड़ और आटे से बनाती थी पर बहुत स्वादिष्ट बनता था बारिश के मौसम के लिए। तो बढ़िया से एकदम से बन रहा है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, जैसे गुड़ उसके जैसा कलर आ रहा है। इधर थोड़ा बन भी गया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा गुलबरी, गुलबरी कहिए, गुलगुला कहिए, जो समझ में आए सो कहिए। बहुत टेस्टी है, देखिए खसखस बिल्कुल है, बढ़िया एकदम से, बड़ा ही टेस्टी। बच्चों ने खाया, बताया बहुत टेस्टी। एक तो जो इसमें हमने किशमिश डाल रखा है वो खट्टा, गुड़ मीठा और तिल और मेवा मसाला से बहुत गजब का टेस्ट बना है। तो बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट करके बताएं कैसा बना। दोस्तों आज का मेरा लंच बॉक्स देखेंगे, दोपहर का भोजन मैं कहीं लेके जा रही हूँ, कुछ खास हैं, घर के मेरे बड़े सदस्य हैं, मैं मेरे बड़े भाई हैं उनके लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो देखिए मैं क्या क्या लंच में आज लगाई हूँ। ये दाल भरी पूड़ी हमारी सेक आ रही है और सेक चुकी है, और इधर हमने पैक कर लिया है ले जाने के लिए। और इसके बाद ये रायता हमने बनाया, खीरे का रायता बनाया है, लौकी का नहीं, खीरा घस के डाल दिया है, दही डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है और
काला नमक डाल दिया है। और इधर हमने कढ़ी बना रखी है पकौड़ी वाली, तो ये कढ़ी हमारी हो गई। और इसके बाद ये चावल हो गया, और ये ग्रेवी करेला बनाया है, करेले की ग्रेवी वाली सब्जी बनाया, क्योंकि भाई साहब को शुगर है मेरे, तो इसलिए उनके लिए बनाया। तो चलिए देखिए आज कल मेरा लंच कैसा लगा, बन गया है फटाफट। अब फटाक से लेके जाना है मुझे, आज चूँकि राखी भी बांधनी है उनको, तो इसलिए ऐसे कैसे जाएं। तो चलिए फिर, धन्यवाद प्रणाम मेरा वीडियो देखने के लिए। तो हमारी टिफिन तैयार हो गई है, रायता भी पैक अच्छे से, अब इसको भी पैक कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी है, फिर चलिए आनंद लेते हैं।